अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जब कौम का कोई रहबर और लीडर होता है तो उसे हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना वक्त कौम की खिदमत करते रहना चाहिए। आजकल ये काम बड़े लोगों की तरफ से जब भी कहीं होता है तो बड़ा ताज्जुब लगता है, लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है। जिसके ऊपर जो ज़िम्मेदारी होती है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना है, और हमारे जनाब इमरान साहब अपने मकाम का और अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास रखते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को अपने पूरे पीरियड में हर माहौल में हर गोशे में अदा करने की कोशिश किए, और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही, और उन्होंने दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर अपने इलाके की कॉन्स्टिट्यूटी की और उमूमन पूरे बेंगलोर की और जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं पहुँच कर अपनी खिदमत को फैलाया। और आज की जो तकरीब थी, आज का जो मुख्तसर जलसा था, वो कारपोरेटर इमरान बादशाह साहब की तरफ से ही मुनाक़िद था। माशाअल्लाह इनके जो खिदमात हैं वो पूरे शहर बेंगलोर में काबिल तारीफ़ हैं। ख़ास तौर से लॉकडाउन के मौके पर भी इनकी बहुत सारी खिदमात रहीं। असल में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, सैयदुल कौम खादिमुहुम। कौम का जो सरदार होता है असल में वो कौम का खादिम होता है। ये सिफात इमरान बादशाह साहब के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, बल्कि ये नमूना है दूसरों के लिए कि इन्हीं की तरह दूसरे भी जो है जो हक़ है लोगों का हुकूमत से लेकर उन तक पहुंचाने का, ये सिफत हर कारपोरेटर के अंदर बल्कि कौम के हर खादिम के अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये नमूना है कौम के लिए, दूसरे नौजवान भी इसी तरीके से इनकी मिसाल कायम करें और ये सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। बस यही हमारे तमन्ना।